जब भी आप लोगों ने पाकिस्तान जाना होता है ना, या आप लोग सोच रहे होते हो कि आपने पाकिस्तान जाना है, टू थिंग्स दैट आर जस्ट मैंडेटरी फॉर द गिफ्ट्स आर परफ्यूम्स एंड द चॉकलेट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दुबई। बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो दो चीज़ें जो आपने मेन लेके जानी होती है ना, वो ज़रूर ज़रूर अच्छे से परफ्यूम्स, क्योंकि दुबई में परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। और आप लोगों को सजेशंस भी यही है कि आप ज़्यादातर ना यानी परफ्यूम्स लेकर जाया करो, क्योंकि वो सब लोग वही चीज़ें मांग रहे होते हैं कि यार बस हमें जो है ना अच्छे अच्छे परफ्यूम दे दो। और दुबई में मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो परफ्यूम कहीं से मिलता नहीं, एक तो परफ्यूम्स और दूसरे नंबर पर चॉकलेट्स, दैट्स आर द बेस्ट थिंग्स। अगर आप लोगों को समझ नहीं ना आ रही कि आपने क्या किसी को गिफ्ट देना है, तो आप लोगों को जो है ना सोचना चाहिए कि यार एक तो परफ्यूम और दूसरे नंबर पर ये चीज़, दैट्स इट। तो जिन लोगों के साथ मुझे भी समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो मैंने अपने ढेर सारे परफ्यूम्स ख़रीद लिए थे, बड़े छोटे, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, और दे आर जस्ट क्वाइट एक्सपेंसिव। बट यार आप लोगों ने जाना होता है, और जब आप इतने अरसे के बाद अपने मुल्क जा रहे होते हो, तो आप सोचते हो कि सबके लिए अच्छे अच्छे जो है ना गिफ्ट्स लेके जाने हैं। और ये आधे परफ्यूम्स थे, और बाकी जो है ना मैंने बुकिंग करवा दी थी, और कुछ जो है ना उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आके ले जाना। तो कुछ दिन के बाद हमारी फ़्लाइट है, इंशाल्लाह आज के दिन हमारी जो है ना सुबह जो है ना हम जाके फ़्लाइट भी बुक करवा कर आए थे, अबू धाबी गए हुए थे। और ये हम लोग जो है ना वापसी पे आते हुए जो है खाना लेकर आए इंडियन बिरयानी वालों से, और यार ये इन्होंने ना डील दी हमें 50 दिरहम्स में, आई थिंक सो, और ये 50-55 दिरहम्स में, मुझे एक्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यार ये इतने कम चावल, हाफ के जी चावल लग रहे हैं यार। प्लीज़ अगर आप लोगों में से कोई भी देख रहा है, तो प्लीज़ अपनी यहाँ तो क्वान्टिटी बढ़ा दो, क्योंकि क्वालिटी तो तुम लोगों की बहुत अच्छी है यार, लेकिन प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये यहाँ फिर अगले को बता दो कि हम लोग दे किस तरह रहे हैं, क्योंकि इस तरह आप लोगों के खाने में यार बेबरकती होती है, और जब खाने में बेबरकती हो जाए ना, फिर वो पूरी नहीं आती। इस डील के अंदर सिर्फ ये बिरयानी थी, और साथ में एक जो है ना प्लेट थी हलीम की, और हम दोनों को लगी हुई हिराज की भूख, तो हम लोगों ने यही खा ली। तो खैर मैं बना रही थी नेक्स्ट डे जो है ना यहाँ पे गुलगुले बना रही थी, और गुलगुले जो है ना मैं बचपन में खाया करती थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दी थी वीडियो। और यहाँ पे मैंने डाला था 3 टेबल स्पून बेसन के, ठीक है, उसके अंदर मैंने ब्लैक जीरा डाला था, नमक मिर्च हल्दी और काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, और हल्का सा पानी डाल के ना इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है कि ना ये बहुत ज़्यादा रनी होगा और ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, और इस तरह से इसको आराम आराम से करके हिला लें। तो यहाँ पे मैं फास्ट वीडियो की हुई है, इसलिए इस तरह से लग रहा है। तो नीम गर्म पानी के साथ हमने हिलाना है, और देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हेयर एट द एंड आपको जो है ना यार इतनी खुशी हुई है, अभी मैं रिकॉर्डिंग मतलब इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, और इस टाइम बारिश होना शुरू हो गई है यूएई में। यार बेस्ट गिफ्ट एवर, यू हैव जस्ट मतलब कि मौसम अच्छा हो जाना, तो मेरा तो मूड इतना अच्छा हो जाता है। तो वो मैंने साइड पे रख दिया, और उसके बाद मैंने बना ली थी इमली के साथ में खट्टी मीठी चटनी, और यहाँ पे इमली भिगो के रखी हुई थी, उसके बाद मैंने उसको आधे कप पानी के अंदर डाला, नमक मिर्च हल्दी कोरिएंडर पाउडर ये डाल के ना इसको अच्छे से पका दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, और पानी बिल्कुल कम था। जब पानी ये बिल्कुल पक चुका था ना, तो ऐट द एंड मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल दिया था, और उसको बॉयल होने रख दिया था। जैसे बॉयल हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर घोल के ना, तो ठंडा इसके अंदर जो है ना डाल दिया था, बिल्कुल बारीक सा ठीक होने के लिए। बहुत ज़्यादा हमारी जो चटनी है वो ठीक अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, तो ये रेडी थी सर्व करने के लिए। अब दूसरी साइड पे मुझे गुलगुले पकाने थे अपने, और जो बेकिंग पाउडर होता है ना, उसको आपको मतलब ज़्यादा देर स्टे नहीं करना होता, आपने डालना है और आपने साथ ही पका लेना है, तो ये इसका काम होता है। तो खैर मैंने 5 मिनट फिर भी रखा था कि हमारा जो टेक्सचर होता है ना वो सही स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, मेरे लिए जो है ना चम्मच से करना ज़्यादा आसान है, तो मैंने इस तरह से किया था, तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो बिल्कुल 2 मिनट के बाद मैंने आराम से पलट लिए थे, और मीडियम लो अपने फ्लेम रखनी है, ऐसी फ्लेम रखनी है जैसे हम लोग रखते हैं ना उसके नीचे क्या उसे कहते हैं अपने गुलाब जामुन बना रहे होते हैं, तो उसी तरह से आपने इसकी फ्लेम रखनी है। और ये मुझे मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया यार, आज बारिश भी हो रही है, 2 दिनों से बारिश हो रही है यूएई में। इट्स फ्रॉम मी फॉर टुडे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।